दोस्तों नमस्कार, मैं रामू सिंह। अजय सिंह राहुल के खिलाफ षड्यंत्र शुरू। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के खिलाफ कई लोगों द्वारा षड्यंत्र शुरू कर दिए गए हैं। कोई जातीयता का रंग देकर षड्यंत्र कर रहा है, कोई कांग्रेसी टिकट काटने और टिकट मिलने के नाम पर षड्यंत्र कर रहा है। बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला के करीबी प्रवेश शुक्ला के पेशाब कांड को लेकर अजय सिंह राहुल को घेरने के प्रयास कुछ लोगों द्वारा किए गए थे। यह लोग कितने सफल हुए वही जाने। फिर रीवा में श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी की त्योतर से टिकट कांग्रेस द्वारा काटे जाने पर कुछ लोगों द्वारा इसे अजय सिंह राहुल से जोड़ा गया, जबकि अजय सिंह राहुल के करीबी नागौर के वरिष्ठ नेता यादवेंद्र सिंह का कांग्रेस ने टिकट काट दिया सिर्फ कमलेश्वर पटेल के प्रेशर से। कमलेश्वर पटेल के प्रेशर से त्योथर में रमाशंकर पटेल को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, मगर एक सोची समझी रणनीति के तहत यह षड्यंत्रकारी हर बात को अजय सिंह राहुल की तरफ मोल्ड करने के प्रयास करते हैं। अब मैं एक सीनियर वरिष्ठ कई पुरस्कारों से नवाजे जाने वाले पत्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया पर पढ़ा कि मैयर में नारायण त्रिपाठी की कांग्रेस से टिकट अजय सिंह राहुल ने कटवा दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी कांग्रेस गद्दार कहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह कांग्रेस के होकर अपने समर्थकों सहित भाजपा में चले गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो फिर नारायण त्रिपाठी ने क्या किया? लोकसभा चुनाव में मतदान के चार दिनों पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। चलिए मान लेते हैं इस कारण अजय सिंह राहुल कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव हार गए। सिंधिया गद्दार तो नारायण त्रिपाठी कौन? नारायण त्रिपाठी बीजेपी से विधायक बने और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। कमलनाथ के करीबी बन गए नारायण त्रिपाठी, सही किया उन्होंने। कांग्रेस में रहकर भाजपा का साथ दिया, भाजपा में रहकर कांग्रेस का साथ दिया, फिर भी टिकट अजय सिंह राहुल ने कटवाया। रामपुर में रमाशंकर पयासी को टिकट किसने दिलाया? इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। यह चुनाव फिर एक नई इबारत लिखेगा। मुझे लगता है विंध्य में जाति षड्यंत्र यूं ही चलते रहे तो सामान्य वर्ग की सीटों पर सामान्य वर्ग को छोड़ से सभी बैठे हुए दिखेंगे। एक एक करके सामान्य वर्ग की सीटों पर अन्य बैठते चले जा रहे हैं, फिर भी यह षड्यंत्रकारी अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे विंध्य में बीजेपी या कांग्रेस में अजय सिंह राहुल के कद का कोई नेता है क्या? फिर लोग इतने बड़े कद के नेता को लेकर इतना अधिक षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी तक जो भी पढ़ा, सुना, समझा, जिस क्षेत्र का जितना बड़ा नेता उस क्षेत्र का उतना बड़ा विकास। मगर मैं विंध्य में देख रहा हूं कि जितना बड़ा इस क्षेत्र का नेता उतना बड़ा उसके खिलाफ षड्यंत्र। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।